दैनिक नवज्योति .com पर आपका स्वागत है। मैं हूं रंग तस्लीम और आइए आज आपको मिलवाते हैं आरुषि शर्मा से। आरुषि शर्मा है एक यूट्यूबर और यूट्यूबर के साथ साथ इनको मिला है सिल्वर प्ले यूट्यूब की तरफ से एक एप्रिसिएशन लेटर, जो उनको मिलता है यूट्यूबर्स को जो 1,00,000 से ऊपर क्रॉस कर लेते हैं अपने सब्सक्राइबर्स में। अब इन्होंने 1,86,000 तक पहुँच चुकी हैं। उम्मीद करते हैं कि ये 10,00,000 तक भी सब्सक्राइबर्स इनके जल्दी होंगे, जिससे इनको अगला एप्रिसिएशन लेटर जल्दी से मिल जाए। तो आइए आपको मिलवाते हैं आरुषि शर्मा से, जो है जयपुर की निवासी और महज ये है 24 साल की उम्र में यूट्यूबर। तो आइए इनसे मिलते हैं, मिलवाते हैं आपको, इनसे करते हैं पूरी बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरुषि जी। थैंक यू सो मच। आरुषि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कैसे शुरुआत करी अपनी इस जर्नी की। जी, मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में स्टार्ट करा था अपना चैनल जिसका नाम था होम ब्यूटी पार्लर, और इस चैनल को 1 साल बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है और ये जर्नी बहुत अच्छी रही है। और अभी थोड़े से वक्त पहले हमने सिल्वर प्ले बटन रिसीव करा है, जो हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कम्प्लीट होने पर मिला था। और हालांकि वो सिल्वर प्ले बटन थोड़ा सा डिले हो गया था, तो हमने सेकेंड अगस्त को हमने 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर ली थी, जिसके लिए हमें रिवॉर्ड की फॉर्म में सिल्वर प्ले बटन दिया गया। आपको इस होम ब्यूटी चैनल जो आपका है होम ब्यूटी पार्लर, तो उसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, होम ब्यूटी पार्लर चैनल की मुझे प्रेरणा मिली है मैक्सिमम तो मेरे घर से, क्योंकि मैं एज अ गर्ल मैं भी ब्यूटी टिप्स जानना चाहती थी। मैं भी चाहती थी कि मैं कैसे कम वक्त में अपनी ब्यूटी को और ज़्यादा अच्छी कर सकूँ, मैं उसको बढ़ा सकूँ। तो मेरी ये कोशिश थी कि कैसे मैं घर बैठे लोगों को अच्छे अच्छे टिप्स दे सकती हूँ, कैसे उनकी ब्यूटी को बढ़ा सकती हूँ। और इसी के साथ मेरी खुद की प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट मेरी फ्रेंड्स की जो प्रॉब्लम होती थी, तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत रही मेरे लिए कि मैं कैसे ब्यूटी चैनल बनाऊँ और कैसे उसे आगे लेके जाऊँ। जी, आपके जो होम ब्यूटी पार्लर जो चैनल है, उसमें आप होम ब्यूटी टिप्स, रेमेडीज देती, घर के नुस्खे देती, किस तरह से घर के नुस्खों से हुआ, तो वो चीज़ आपको कहाँ से मिली? या आपकी नानी दादी से आपने सुना था, या फिर इस तरह की बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी थी? जी बिल्कुल, बचपन में सुनते आ रहे हैं हम, कि दादी नानी की किस्से सुनते, उनके नुस्खे सुनते हम बड़े होते हैं। और उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा बताया था कि ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर घर की चीज़ों को इस्तेमाल करोगे तो साइड इफेक्ट्स कम होंगे, वही आप मार्केट की चीज़ें इस्तेमाल करोगे तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और एक जनरल प्रॉब्लम है कि मार्केट के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत महंगे होते हैं, जो अफोर्डेबल नहीं हो पाते हैं सबके लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं चाहती थी कि मैं कुछ होम प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से लोगों की ब्यूटी को बढ़ा सकूँ और उन्हें एक खूबसूरती वाला टच दे सकूँ। जी आरुषि जी, आपने यूट्यूब पे जो इसका अपना इस्तेमाल करना शुरू करा, तो आपने कहाँ से सीखा यूट्यूब पे अपने वीडियोस डालना, कहाँ से आपको इसकी जानकारी दी? जी एक्चुअली मेरा रिसर्च वर्क बहुत बड़ा था यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले। मेरी कोशिश थी कि मैं बहुत अच्छे से अपना रिसर्च वर्क करूँ, ताकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो मेरे चैनल रिगार्डिंग। कुछ रिसर्च था, कुछ मेरे ब्रदर ने मुझे बहुत हेल्प करी है, और उन्हीं की वजह से आज मैं जहाँ हूँ, मैं वहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ और मैं अपने चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर। अच्छा, आप एक यूट्यूबर हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कितना मुश्किल होता है यूट्यूब पे एक चैनल क्रिएट करना, उसके बाद उसको कंसिस्टेंटली उसको चलाए रखना। यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करना मैं कहूँगी मुश्किल नहीं होता है, बट ये है कि उस चैनल को ग्रोथ देना वो डिफिकल्ट होता है, और उसके लिए आपको एक कंसिस्टेंट वर्क, एक अच्छा कंटेंट देना होता है और साथ में पेशेंस रखना होता है। और इसके अलावा, पेशेंस के अलावा आपके साथ कमाई होती है, तो आप जानना चाहेंगे आपकी कमाई कितनी हो जाती है महीने की? YouTube की फील्ड में अगर हम कमाई की बात करते हैं, तो आप जैसे एक प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और आपको मंथ एंड में आपको सैलरी मिल जाती है, तो YouTube में अगर आप ये सोच के एंटर हो रहे हैं कि आपकी अर्निंग अच्छी होगी, तो मैं कहूँगी कि आप YouTube में अर्निंग के पीछे मत भागिए, आप अपने हार्डवर्क को कंटिन्यू रखिए और आपका हार्डवर्क एक दिन आपको जरूर पे करेगा और आप इतना ईजिली अर्न कर लेंगे कि आप अच्छी लाइफ। क्योंकि YouTube के मतलब कहीं ना कहीं व्यूज पे डिपेंड होता है, किसी महीने व्यूज बहुत ज्यादा होगा तो आपकी कमाई बढ़ जाती है, और कम होगा तो आपकी कमाई घट जाती है। जी बिल्कुल, यूट्यूब की अर्निंग डिपेंड होती है आपकी व्यूज की, आपके लास्ट 48 आवर्स के व्यूज कितने होते हैं वो एक महीने तक मॉनिटर करे जाते हैं, और उसी के बाद आपका मोनेटाइजेशन कितना रहेगा वो उस पर डिपेंड होता है। अच्छा जी, और आपसे जानना चाहेंगे, होम ब्यूटी पार्लर आपका चैनल का नाम है, ब्यूटी टिप्स आप देती हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो dainiknavajyoti.com के आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे घर के इस्तेमाल करके अपना सौंदर्य को बढ़ा सकती हैं? जी मैं बताना चाहूंगी कि आप किचन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिनको आप अपनी ब्यूटी के लिए यूज कर सकते हैं, उनमें से एक है हल्दी। आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करके अपने गोरे अपने रंग को और भी ज्यादा गोरा कर सकते हैं, अपने कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको लेना है 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 से 4 चम्मच आप कच्चे दूध की ले लीजिए, इसका पेस्ट बना के आप अपने फेस पे अप्लाई करिए और इसे मास्क के तौर पर यूज करिए, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत इम्प्रूव होगा। इसी के साथ हल्दी के अंदर बहुत अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, और सर्दियों में तो
हल्दी बहुत ही ज्यादा गुणकारी होती है, तो हल्दी के इस्तेमाल से आप बहुत सारी चीजों में सोल्यूशन पा सकते हैं। तो सर जी के इस्तेमाल से और कौन कौन सा ऐसे इंग्रेडिएंट है जिससे हम ब्यूटी में आप बता सकती है हमारे दर्शकों को? जी मैं बताना चाहूंगी कि सर्दियां आ चुकी है तो आपको खजूर को अपनी डाइट में मिला लेना चाहिए, क्योंकि खजूर आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, और जैसे ही आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो आपके चेहरे पे मौजूद पिंपल्स और इसी के अलावा झाइयां जो होती हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क होने लगता है, सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलने लगेगा। खाने में खजूर को बढ़ा जी बिल्कुल खजूर की मात्रा बढ़ा दीजिए और दिन में 2 से 3 खजूर जरूर लीजिए। और किस सर्दी में और किस किस इंग्रेडिएंट्स का हम यूज करके अपने सौंदर्य को? सर्दी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं शहद का, शहद बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है और शहद की वजह से आप अपने लिप्स को सॉफ्ट कर सकती हैं। शहद और शक्कर का आप स्क्रब के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं, उसी के साथ साथ शहद को आप अपनी डाइट में भी इन्वॉल्व कर लीजिए। तो शहद एक एंटीबायोटिक का काम करता है और उसी के साथ साथ उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी आपकी। जी बिल्कुल। यूट्यूबर की एक जर्नी जानना चाहेंगे कि आपने जिस तरह से बताया कि व्यूज पे डिपेंड होता है कि हम कितने आ रहे हैं, कमाई कभी ज्यादा कभी कम, तो घर वालों का कितना सपोर्ट रहता था इसमें? घर वालों का शुरू से बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है मुझे, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है और उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और आगे भी पहुँचने की मेरी इच्छा है। जी, जी। और उसी के अलावा जर्नी बहुत अच्छी थी, बस ये है कि हार्डवर्क करते रहिए और हार्डवर्क को चीट मत करिए, क्योंकि जिस दिन आपने चीट करना स्टार्ट कर दिया आपके काम को तो आपको वो पे कभी नहीं करेगा। जो यूट्यूबर आरुषि शर्मा जैसा बनना चाहते हैं, आरुषि शर्मा जैसे ही अपना चैनल चलाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश? जी आरुषि शर्मा से बहुत अच्छे यूट्यूबर्स बैठे हैं, पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत ही अच्छे यूट्यूबर्स बैठे हैं और अगर आप चाहते हैं इस फील्ड में आना तो आप जरूर आ सकते हैं, आप बस अच्छा कंटेंट रखिए और अपने वीडियोस की कंसिस्टेंसी रखिए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरुषि जी। ये थी आरुषि शर्मा जो यूट्यूबर थी और इनको मिला था अभी सिल्वर प्ले मेडल 1,86,000 सब्सक्राइबर के लिए।